हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आकांक्षा मौर्य फ्रॉम सेकेंड ईयर डी। दिस इज असाइनमेंट गिवन बाय ए खरे मैम। माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो वहां पर उस जिस कटान बिंदु पर उनकी दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं जो कि असंभव है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं क्योंकि बल रेखाएं एक ही आवेश से उत्पन्न होकर उसी पर समाप्त नहीं हो सकती। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएँ सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उस स्थान पर कोई भी बल रेखा नहीं होती है। टेंजेंट की सहायता से हम बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या चार्ज के परिमाण के समानुपाती होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से रिलेटेड ये मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी टेस्ट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। धन्यवाद।